सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका अपना फनमूड एस। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, आज हमारी बुलेरो न्यू, जो महिंद्रा ने न्यू लॉन्च करी है बुलेरो को री अपडेट करके, बुलेरो न्यू, उसका हमारे पास बम्पर आया है न्यू, जिसपे काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह वगैरह लगी हैं। उसको ठीक करके उसे पर्ल वाइट में तब्दील करना है। ब्लैक है, ब्लैक बम्पर आ रखा है, उसमें हमें पर्ल वाइट को पल वाइट में अपडेट करना है। उस तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, और वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाने, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस देखते हैं वीडियो को। गाइस ये है हमारा बुलेरो न्यू का बम्पर, इस पर आप देख सकते हैं न्यू आया है, ये स्क्रैचेस लगी हुई हैं। तो गाइस हम इसको बना करके फिर अस्तर बेस वगैरह जो भी प्रोसेस होगा हम वो करेंगे। ये काफ़ी तगड़ी हमारी स्क्रैचेस है, जो जिस पर कि हम पुट्टी करेंगे। ये काफ़ी, ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत हैवी हैं। असल में ऐसा होता है, जो न्यू प्रोडक्ट, न्यू बम्पर जो आते हैं ना, जो जो हमारी डीलरशिप है, तो वो गाड़ी में लोड करते वक्त जो स्क्रैचेस वगैरह लगती हैं, जो गाड़ी को चलते वक्त जो झटके लगते हैं, उससे ये स्क्रैचेस पड़ जाती हैं। तो उसको, उसी को हम करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि पल वाइट में कैसे हम तब्दील करेंगे इसको। और गाइस हमारा ये रखा है इसकी क्रोम, ये क्रोम रखी है, जो कि हमारी इस तरीके से लगने वाली है इस पर, जो कि बम्पर को बहुत ही अच्छा बनाती है। इस तरीके से ये फिट होगी, ये भी हमारी पल वाइट होगी। और एक हमारा ये हैंडल आया है, जो इसको भी हमें पल वाइट करना है। तो देखते हैं हम कैसे स्क्रैचेस वगैरह इन सब की निकालते हैं, कैसे हम पुट्टी वगैरह चढ़ाते हैं, फिर आपको अगला प्रोसेस दिखाएंगे। गाइस ये हम लेकर आए हैं एक रेक माल, जो कि हैंड ब्लॉक का है, 400 नंबर का, पिक्सल 400, मीरखा वालों का है ये। तो इससे हम स्क्रैचेस हटा करके देखते हैं, शायद चली जाएँ। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जो कि हमें दूसरा हिस्सा ख़राब नहीं करना है, तो हम इस पे रगड़ेंगे। तो गाइस ये हमारी स्क्रैचेस चली गई हैं, और हम देखते हैं अगली हमारी कैसे जाएगी। इससे ज़्यादा ना, जो स्क्रैचेस जाने वाली होंगी वो तो एक माल लगाते ही चली जाएंगी, और जिस पे प्रोटीन आएगा, जो ज़्यादा हैवी है वो बगैर प्रोटीन के नहीं जाएंगे। गाइस जैसे कि हम इसको रेक माल लगा रहे हैं, गाइस ये नहीं गई, गाइस यहाँ हमारी रह गई है थोड़ी। गाइस ये भी है, इसको भी हम करके देखते हैं। गाइस ये भी जा चुकी है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी है वो प्रोटीन, जो हम 400 गैस पे रेक माल अप्लाई करेंगे, जो कि नहीं जाने वाली है। ये आप देख सकते हैं हैवी है, इस पे ब्रेक प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। और गाइस ये है, क्योंकि हम आपको दिखा चुके हैं, तो गाइस ये भी काफी हद तक जा चुकी है, पर फिर भी पुट्टी आएगी इस पे। तो गाइस अब हम आते हैं अपनी प्रोटीन पे, जो कि वैसे इस पे पॉलिस्टर लगता है, जो येलो कलर का आता है ग्लासुरिट कंपनी का, हमारी कंपनी में, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ऑर्डर लगा दिया है, आज या कल में हमें मिल जाएगी। तो इस पे हम भरेंगे बॉडी फिलर, जो कि हमारा बुर्ज कंपनी का है, आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। डाकू लाइट बॉडी फिलर है, क्योंकि हमारी एमआरपी इसकी है 3,000 के आसपास, 3,000 हमारी एमआरपी है। तो हम इसको भरेंगे पॉलिस्टर की जगह, ये हमारी पुट्टी है। गाइस हम इसे अपनी नैला पत्ती पे अप्लाई करेंगे, नैला पत्ती से हम निकाल देंगे, जितनी हमें ज़रूरत चाहिए उतनी हम निकाल लेंगे। और गाइस ये रहा हमारा बॉडी फिलर का हार्डनर, ये हार्डनर है, हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद
बाद गाइस हम इसको ना लेंगे गाइस, फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। गाइस ये रहता है ना कि अगर ये मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा मिक्स, तो फिर इसमें पुट्टी हमारी जो परफेक्ट बॉडी पे बैठनी चाहिए वो हमारी बॉडी नहीं बैठ पाएगी। तो गाइस बड़ा मुश्किल है कि एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से प्रोटीन लगाना। तो गाइस थोड़ी दिक्कत मुझे आने वाली है क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं अभी। तो गाइस ये हम प्रोटीन लगा रहे हैं, हमें उस पर इतना ही अप्लाई करना है जिससे कि हमारा वो कवर हो जाए। अब कर चलते हैं हम, जो कि हमारा हैवी था उस पर भी हम प्रोटीन लगा देंगे। गाइस हमारा ये प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं जो जो हमारा एरिया था गाइस हमने वो कंप्लीट करा है। जो एक रह गया है इसको भी हम प्रोटीन से कवर कर देंगे। गाइज हमारी प्रोटीन लग चुकी है, अब हम इसे देंगे सूखने का टाइम, फिर काटते हुए प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं हम अपने कटिंग पे जो हमने प्रोटीन भरा था। तो हम गाइज यहाँ पर 400 का ही रेगमाल यूज़ करेंगे क्योंकि 180 का यूज़ होता है वो, उससे हमारी स्क्रैचेस ये जो पड़ रही हैं वो पड़ेंगी। तो हम 400 का इसी नहीं यूज़ कर रहे हैं और इसके साइडों से हम धाड़ा मिलाएंगे क्योंकि ये जो न्यू बम्पर है इस पर हमारा प्रोटीन सही से चिपक नहीं पाता है, छूटता है, दाढ़ा नहीं मिल पाता है। तो हम इसको 400 से रफ कर लें। तो गाइस हमारा ये दाढ़ा मिल चुका है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे। गाइस जो हमारा फालतू है उसको हम निकाल लेंगे, जैसे कि हमारा ये कवर, ये हमारा डेंट जिसपे हमारी पुट्टी भर चुकी है, जो जो साइड से है वो हम उसको निकाल लेंगे, जो कि हमारा पेंट के बाद दिखेगा। गाइस हमने ये भी निकाल लिया, तो फिर अब बारी हमारे इसकी। तो गाइज हमारी पुट्टी भी कट के तैयार हो चुकी है। तो गाइज अब हमारी बारी है इस पैनल की, जो कि ब्लैक प्लास्टिक है, जो दिखता है ब्लैक ही रहना है, तो इसको हम मास्क करेंगे। तो गाइज हमारी ये मास्किंग भी रेडी हो चुकी है, जो हमारा एरिया था जिस पर पेंट हमें डालना नहीं था वो भी हमारा मास्क हो चुका है कॉर्नर। तो चलते हैं हम इसकी साफ़ सफाई पे। गाइस अब बारी है इसकी डिग्लीटर की, जो हम डिग्लीटर अप्लाई करेंगे।
गाइस जी हमारा दिल पड़े भाई हमारा दाना गाइस ये हमारा फाइनल प्रोसेस है क्लियर कोड का जो कि हम डालने जा रहे हैं। तो फाइनली गाइज हमारा ये पेंट पड़ चुका है बलेरो न्यू का बम्पर। गाइज आप देख ही चुके होंगे कि हमने कितनी दिक्कतों का सामना किया इस वीडियो को बनाने, क्योंकि सिर्फ मैंने अपने आप खुद से ही वीडियो बनाई, खुद से ही इस पर प्रोसेस चालू किया। तो गाइज प्लीज़ यार लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे चैनल के, और गाइज सपोर्ट करें यार थोड़ा।